जो होता है ये क्या होगा, मतलब मिट्टी का एक क्लॉड वगैरह है, या तो इसको हम क्या बोलते हैं, फायरेबल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जो फायरेबल होगा यहाँ पे, तो आपने जैसे पढ़ा होगा पेडोलॉजी, पढ़ा ना पेडोलॉजी, पेडोलॉजी क्या होता है, पेडोलॉजी डाफोलॉजी, तो वहाँ पे एक शब्द आता है पेडोलॉजी, है ना। तो पेडोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो ये मिट्टी वगैरह है, तो इस मिट्टी का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसका नेटिव प्लेस क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है, इसको हम पेडोलॉजी बोलेंगे। अब देखो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये क्या हो गया, सॉइल का स्ट्रक्चर ही हो गया। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते, कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो सॉइल का स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन इसमें देखो एक छोटा सा, मैं कण की बात करूंगा यहाँ पे, एक छोटा सा क्या आ गया, कण मतलब पार्टिकल आ गया, छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे, इसमें तो और भी पार्टिकल है, लेकिन एक छोटे से पार्टिकल की बात करूंगा। जो सॉइल की छोटी सी जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेडॉन बोलेंगे। तो आप बताओ इस मिट्टी के जो पार्टिकल वगैरह, जो पेडॉन वगैरह होगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, इसको चेंज कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसी कारण से ये जो पेडॉन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ सॉइल बोलते हैं। सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ा होगा, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत एक प्रॉपर्टी आती है, सॉइल टेक्सचर आता है, सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल जो टेक्सचर होगा, सॉइल टेक्सचर को हम चेंज कर सकते हैं क्या कभी भी, सॉइल टेक्सचर को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि सॉइल टेक्सचर हम किसको बोलते हैं, इसकी बेसिक एक प्रॉपर्टी होती है जिसको परमानेंट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जो किसको एम्फेसाइज करता है, उसके पैडान को एम्फेसाइज करता है यहाँ।